हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू कॉट स्टडी आई एम मुजस्म अख्तर एंड टुडे आई हैव ब्रॉट टू यू केमिस्ट्री पार्ट टू फॉर जेके एस एस बी क्लास फोर एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई हैव प्रिपेयर अ क्विज़ फॉर यू फॉर फोर क्वेश्चन विच विल हैव टू आंसर इन द कामेंट सेक्शन जो वो चार क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको जरूर से ज़रूर जो है कॉमेंट सेक्शन में देने होंगे ताकि आपको वो वो जो क्वेश्चन हैं कभी भूले नहीं एंड उससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है क्या होता है कि आप में से बहुत सारे लोग आंसर्स नहीं देते हैं कॉमेंट सेक्शन में तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको ज़रूर जो है आंसर्स चाहिए कमेंट सेक्शन में बिकॉज uh, अगर आप आंसर्स देते हैं तो आपको भूलता नहीं है आज हम इस वीडियो में कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे उसके अलावा हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे मैटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे ठीक है मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं प्लस यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू विल गेट नोटिफाइड ईच टाइम वी अपलोड अ न्यू वीडियो सो लेट्स स्टार्ट विद दिस लेक्चर सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड एलोट्रॉपी ऐसे सब्सटेंसेस जो जिनमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होती हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं मतलब फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ उनमें क्या होती हैं डिफरेंट होती हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं मतलब एलोट्रॉप्स में सेम होती हैं तो जिनमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं सेम होती हैं और फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं उनको कहते हैं हम एलोट्रॉप्स और उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एलोट्रॉपी ठीक है फिर से बताता हूँ एक बार जो सब्सटांस जिनमें सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं बट उनमें डिफरेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं एलोट्रॉप्स कहते हैं क्या कहते हैं एलोट्रॉप्स कहते हैं और उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं उस वो जो मतलब प्रोसेस है प्रॉपर्टी है उसको हम क्या कहते हैं उसको कहते हैं हम एलोट्रॉपी ठीक है ये हो गया ठीक है अभी हम डायमंड के बारे में पढ़ते हैं तो डायमंड के बारे में सबसे पहला आपको पता ही होगा कि डायमंड होता क्या है जिसको आप आ, हीरा भी कहते हैं हम ठीक है तो डायमंड पहल सबसे पहला पॉइंट जो याद रखने वाला पॉइंट है इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन ठीक है याद रखना है कि डायमंड जो है ये एक प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन की सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म जो है वो कौन सी है दैट इज़ कार्बन ये डायमंड कार्बन की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी है डायमंड, ओके okay. उसके बाद इट डज नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगेन क्या है कि ये जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता ठीक है कौन डायमंड जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता और नेचर में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है नेचुरल सब्स्टांस आप कहते हैं इसको ठीक है नेचुरल सब्स्टांस में से सबसे हार्डेस्ट कौन सा है वो है आपका डायमंड डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस क्या डायमंड जो है वो सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है सबसे हार्ड नेचुरल सब्सटेंस है ठीक है उसके बाद ये जो बर्न होता है 900 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे एयर मतलब एयर में जो है ये कितने डिग्री सेल्सियस पे बर्न होता है 900 डिग्री सेल्सियस पे यह बर्न होता है एंड इट गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ये सी ओ टू जो है बाहर देता है कौन डायमंड जब जलता है ये नाइन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे जलता है और बाहर क्या देता है कार्बन डाइऑक्साइड ओके और इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज ग्रेफाइट नाउ व्हाट इज आपको पता होगा जो पेंसिल्स वगैरह होती हैं ठीक है थीके? वो जो पेंसिल्स की वो टिप होती है ना वो किससे बनी होती है वो ग्रेफाइट की ही है ठीक है वो जो लीड पेंसिल्स में जो वो अंदर से वो टिप होती है जिससे हम मतलब लिखते हैं पेंसिल में उस वो किससे बना होता है ग्रेफाइट से तो याद रखना ये आपको याद रखना है इसमें एक ख़ास बात ये है कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ठीक है हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो कौन सा ग्रेफाइट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ठीक है नेक्स्ट इज हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन होते हैं कंपाउंड एक सेकेंड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन होते हैं कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ठीक है कंपाउंड्स मैंने आपको बताया था ना कि कंपाउंड्स दो एलिमेंट्स जब मिलते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या है एलिमेंट है कार्बन क्या है एलिमेंट है जब ये दोनों मिलते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं तो कंपाउंड्स आपको पता है क्या होता है ठीक है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था इफ यू हैवन येट वॉच दैट वीडियो यू गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन कम हियर ओके नाव नेचुरल नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या है एक नेचुरल अगर जरिया देखें हम हाइड्रोकार्बन का वो क्या है वो है पेट्रोलियम ठीक है और पेट्रोलियम हमें कहाँ से मिलता है सेडिमेंट्री रॉक से जो पेट्रोलियम मिलता है दैट इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन ठीक है इतना आपको याद हो गया होगा उसके बाद अब स्टेट्स ऑफ मैटर सबसे पहले मैटर क्या होता है मैटर कुछ ऐसी चीज़ जैसे आप आप भी पढ़ते ही आ रहे हैं ऐसी चीज़ जिसमें मास होता है और जिस जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है मतलब जो स्पेस लेता है कुछ और जिसमें कुछ मास होता है उसी को हम मैटर कहते हैं एनी थिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर ठीक है उसके बाद जैसे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं मैंने जैसे हवा हम जो uh, मतलब ब्रीथ करते हैं मतलब सांस में जो हवा लेते हैं वो भी क्या है मैटर है फूड वी ईट एंड यू नो वाटर वी ड्रिंक ऑल ंग्स आर मैटर ठीक है अब देर आर ऑन द बेस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर हम देखें तो मैटर को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ठीक है थ्री स्टेट्स में डिवाइड किया गया है एक सॉलिड यह भी मैं आपको समझाऊँगा इसके लिए मैंने यहाँ पर नोट्स नहीं रखे लेकिन मैं आपको ये अच्छे से समझाऊंगा आपको पूरा समझ आ जाना चाहिए ठीक है सॉलिड्स में क्या होता है सॉलिड्स में जो स्पेसेस होती हैं वो बहुत कम होती हैं ठीक है सॉलिड्स में स्पेसेस जो होती हैं बीच में आपको यहीं पे समझ आ जाएगा एक सेकंड में बना देता हूँ थोड़ा सा अब देखिए यहाँ पर सॉलिड्स में ये आ गया मैंने ये एक सॉलिड की बना दी है ये लिक्विड की और ये गैसेस की ठीक है यहाँ पर क्या है इसमें जो बीच में जो स्पेसेस हैं ठीक है वो बहुत कम है वो बहुत कम है मतलब सॉलिड्स जो हैं ये थोड़ा टाइटली पैक्ड होता है उससे कम लिक्विड में जो है उससे थोड़ा कम होता है उसके बाद गैस gas, गैसेस में जो है उसमें उससे भी कम होता है ठीक है क्या कम होता है बीच में जो स्पेसेस होती हैं वो कम होती हैं इसमें ठीक है किसमें सॉलिड्स में कम लिक्विड्स में थोड़ा थोड़ा ज्यादा स्पेसेस होती हैं और गैसेस में और ज़्यादा स्पेसेस होती हैं ठीक है थीके? अब देखिए आपको याद रखना है कि फोर्थ जो स्टेट है वो कौन सी है वो प्लाज्मा है एंड फिफ्थ और जो रिसेंटली डिस्कवर हुई है वो है बीईसी बीईसी मतलब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बी ओ आई एन एस टी ई आई एन ओ एन डीईएसए टीई तो इतना आपको समझ आ गया फोर्थ स्टेट इज प्लाज्मा एंड फिफ्थ इज एंड विच इज रीसेंटली डिस्कवर्ड क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस की कौन सी आपको क्वेश्चन आ सकता है कौन सी वो ऐसी स्टेट है जो रिसेंटली डिस्कवर हो चुकी है ठीक है तो उसका नाम है बी ई सी जिसको हम बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट कहते हैं ठीक है अब एलॉयज क्या होता है दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को जब हम एक साथ मिक्स करते हैं वही क्या बनाते हैं एलॉयज बनाते हैं अब देखिए समझते हैं अब देखिए यहाँ पर ब्रास इज़ एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक ब्रास जो है वो अलॉय है कॉपर और जिंक का ठीक है आपको समझ में आया देखिए कॉपर भी क्या है मेटल है जिंक क्या है मेटल है तो इसका मतलब मैंने डेफिनेशन में क्या बताया था जब हम दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है एक अलॉय मिलता है तो ब्रास क्या है एक अलॉय है किसका कॉपर और जिंक का ये आपको याद रखना है ब्रास किसका एलॉय है कॉपर और जिंक का अब यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट एलॉयज़ हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे ठीक है ब्रास जैसे पहले ही बताया एलोए है किसका कॉपर का और जिंक का और ये भी याद रखना है कि कि ये किसके लिए यूज़ होता है ठीक है ब्रास किसके लिए यूज़ होता है फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स एंड ऑल ठीक है ये चीज़ें जो हैं किससे बनती हैं मतलब ब्रास से ही बनती हैं ठीक है थीके? तो कॉपर और जिंक को जब हम मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है ब्रास और यूज़ किसके लिए होते हैं फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स ठीक है उसके बाद ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज क्या है ये है अलॉय कॉपर का और टिन का जो किसके लिए यूज़ होता है फॉर मेकिंग कॉइन्स या फिर यूटेंसिल्स इससे भी बनते हैं ब्रॉन्ज से ठीक है अब कॉपर और टिन का कॉम्बिनेशन अगर हम बनाएं तो हमें ब्रॉन्ज मिलता है ब्रॉन्ज क्या है एक अलॉय है ठीक है उसी तरह से जर्मन सिल्वर ये है अलॉय ऑफ कॉपर और जिंक का और निकल इसमें तीन जैसे मैंने बताया था आपको दो या दो से ज़्यादा जब मेटल्स मिलते हैं तो वही क्या बनाते हैं वही हमारे पास अलॉय बनाते हैं तो इसको यूज किसके लिए किया जाता है जर्मन सिल्वर को फॉर मेकिंग ज्वेलरीज उसके बाद स्टील देखिए यहां पर स्टील किसका अलॉय है आयरन का और कार्बन का आयरन और कार्बन को जब हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है एलॉय स्टील अब देखिए यहाँ पर जैसे नेल्स हैं इनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है स्क्रूज वगैरह ये सब जो है इन सब में यूज़ होता है क्या स्टील ठीक है नेक्स्ट इज कुछ आपको यहाँ पर इम्पॉटेंट केमिकल नेम्स मिलेंगे कुछ कंपाउंड्स के जो कि हम कंपाउंड्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये सब होता क्या है जब हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिल मिलाते हैं किसी भी एक फिक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में तो किसके प्रोपोर्शन में वेट के प्रोपोर्शन में जब हम फिक्स्डली उनको जो है कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है कंपाउंड्स मिलते हैं अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आपको याद रखने हैं और उनके केमिकल नेम्स ड्राई आइस सबसे पहला इसको इसका केमिकल नेम क्या है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्विक लाइम का कैल्शियम ऑक्साइड प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फ़ेट वॉशिंग सोडा का सोडियम बाईकार्बो सॉरी सोडियम कार्बोनेट जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट बेकिंग पाउडर का सोडियम बाईकार्बोनेट लाफिंग गैस का नाइट्रस ऑक्साइड और शुगर का सक्रोस शुगर का सक्रोस ठीक है अब देखिए यहाँ पर फिर से मैं आपको एक बार बता रहा हूँ ड्राई आइस को सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्विक लाइम को कैल्शियम ऑक्साइड प्लास्टर ऑफ पैरिस को कैल्शियम सल्फेट वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट बेकिंग पाउडर को सोडियम बाइकार्बोनेट, लाफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड शुगर को सकरोस आई होप आपको समझ में आ गया होगा अगर आ गया है समझ अभी आप कमेंट में बताइए कि आपको समझ आया है कि नहीं अब देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट और जो हैं हमारे पास फैक्ट्स हैं यहाँ पे तो ये भी आपको याद रखने हैं तो पहला फैक्ट ये है कि लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है हल्का एलिमेंट ठीक है उसके बाद कौन सा है हाइड्रोजन ठीक है लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है हाइड्रोजन है हेवियस्ट मेटल कौन सा है वो है ऑस्मियम हैवियस्ट मेटल कौन सा है ऑस्मियम ऑस्मियम हैवियस्ट मेटल लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है हाइड्रोजन ठीक है उसके बाद ओनली लिक्विड मेटल से अकेला लिक्विड जो मेटल है वो कौन सा है मर्करी है और मेटल यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो वो फिलामेंट होता है उसमें कौन सा जो है कौन सा मेटल यूज होता है तो वहां पर यूज होता है टंगस्टन ठीक है उसके बाद गैस कौन सी यूज होती है इलेक्ट्रिक बल्ब में तो वो है आर्गन गैस कौन सी यूज़ होती है इलेक्ट्रिक बल्ब में वो है आर्गन गैस यूज होती है इलेक्ट्रिक बल्ब में आर्गन अच्छा ऐसा एलिमेंट जो फाउंड होता है जो हमें किस में मिलता है सोलर सेल्स में मिलता है तो वो कौन सा एलिमेंट है वो है सिलिकॉन कौन सा एलिमेंट हमें सोलर सेल्स में मिलता है सिलिकॉन ठीक है तो एक बार फिर से इसको हम रिवाइज करते हैं लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन हैवियस्ट हैवियस्ट मेटल ऑस्मियम ओनली लिक्विड मेटल मर्करी अच्छा उसके बाद मेटल यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट है टंगस्टन गैस यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब गैस जो यूज़ होती है वो होती है आर्गन उसके बाद जो एलिमेंट फाउंड होता है सोलर सेल्स में उसको हम क्या कहते हैं सिलिकॉन कहते हैं ठीक है तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा अभी आगे देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास वट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कार्बन की जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो कौन सी है हमने इस वीडियो में पढ़ा है आप ज़रूर से ज़रूर आंसर दिया करें क्योंकि अगर आप आंसर देंगे तो आपको भूलेगा नहीं ठीक है तो आई होप आप आज सभी आंसर्स देंगे अगर ऑलरेडी भी किसी ने आंसर्स दिए होंगे तो भी आपको आंसर्स देने हैं ताकि आपको भूले ना ठीक है क्वेश्चन नंबर वन इज़ प्योरेस्ट फॉर्म क्या है कार्बन की क्वेश्चन नंबर टू इज़ वट इज़ द केमिकल नेम फॉर लाफिंग गैस लाफिंग गैस के लिए कौन सा केमिकल नेम जो है वो क्या है क्वेश्चन नंबर थ्री है रिसेंटली कौन सी स्टेट ऑफ मैटर डिस्कवर हुई है उसके बाद स्टील किस किस का अलॉय है ठीक है तो क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर भी समझ आ गया होगा तो आई होप आपको पूरा ही पूरा समझ आ गया होगा तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड इसके बाद इस वीडियो के बाद मैं एम सी क्यूज़ लेके आऊँगा तो एम सी क्यूज़ के लिए तैयार रहना पूरी वीडियो देखनी होगी वो भी आपको क्योंकि अगर वो वीडियो आप नहीं देखेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा हो सकता है कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मैं उसमें डिस्कस करूँ जो आपने पीछे लेक्चर में नहीं पढ़ा है तो जो मैंने छोड़ा है इसमें तो एम वाला पार्ट ज़रूर देखना उसमें मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हैं वो लेके आऊँगा ठीक है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन